दिन भर सेक्स की बातें। सो हे गाइस, मैं हूँ श्रावण। आज हम जानेंगे कि आपको ना किस लड़की से दूर रहना चाहिए, आपको किस टाइप के लड़कों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले ना, ये क्यों ज़रूरी है? अगर आप किसी गलत इंसान के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो इस वजह से आपकी मेंटालिटी और ज़्यादा ख़राब होगी, प्यार का मतलब आपके लिए और ज़्यादा बदल जाएगा। इसीलिए आज हम इसी वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपको किन लड़की और किन लड़कों से दूर रहना चाहिए ताकि आपकी मेंटालिटी अच्छी रहे, आप लव को और अच्छे से समझ सको। तो सबसे पहले ना, उन लोगों से दूर रहो जो दिन भर सेक्स की बातें करते हैं। सेक्स ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर सिर्फ सेक्स की ही बातें हो। अगर आगे वाला इंसान आपसे दिन भर सिर्फ सेक्स की बातें कर रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप की बातें कर रहा है, तो आप ना उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि सेक्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि आपको आगे वाले इंसान में देखनी चाहिए। नेचर, बिहेवियर, पॉजिटिविटी, वो आपको कैसे ट्रीट करता है, वो आपसे कैसे बातें करता है। लेकिन इसके अलावा इन सारी चीज़ों से उस इंसान का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ की पड़ी है, वो है सेक्स। तो आपको ना उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। वो क्या करेगा? आपका इस्तेमाल करेगा और आपको छोड़ देगा। इस वजह से प्यार पर से आपका भरोसा उठ जाएगा, ट्रस्ट पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। तो ऐसे रिलेशनशिप से ना बचो जहां सिर्फ ये सारी बातें होती है। अगर कोई इंसान दिन भर इसी टॉपिक पर आपसे बात कर रहा है, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, आपके थॉट्स कैसे हैं। इसके अलावा वो सिर्फ सेक्स की बातें करता है दिन भर, या फिर कोई लड़की दिन भर सेक्स की बातें करती है, तो ऐसे केस में ना इस रिलेशनशिप में से आप निकलो। आप जितने जल्दी ऐसे रिलेशनशिप से निकलोगे, ऐसे लड़के लड़कियों से दूर रहोगे, तब तक आप खुश रहोगे। आपको याद रखना है, अपने लाइफ का ना एक ऐसा पर्पस बना लो, अपने लाइफ का एक ऐसा टारगेट बना लो कि मुझे ऐसे लड़कों से, ऐसी लड़कियों से दूर रहना है, मुझे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं फंसना है जहाँ सिर्फ यही बातें होती है, जहाँ सिर्फ यही सारी चीज़ें होती है। क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप में सिर्फ यही चलता है, और फिर दूसरा इंसान जब पहले इंसान को छोड़ देता है, यानी जब ब्रेकअप होता है, तो फिर वो प्यार को ही बदनाम करते हैं, वो प्यार को ही गलत कहते हैं। आपको समझना है कि आप किस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, तभी आपका रिलेशनशिप सक्सेस होगा, तभी आपके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर रहेगा। लेकिन आगे वाले इंसान को नहीं पड़ी है, उसको सिर्फ सेक्स से पड़ी है, तो वो आपका इस्तेमाल करेगा और आपको छोड़कर चले जाएगा। इससे आपकी लाइफ और ज़्यादा बुरी हो जाएगी, आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, और आप प्यार को बहुत ज़्यादा ब्लेम करोगे, ठीक है। दूसरी बात, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में तो होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं। वो सिर्फ जब भी फ्री होते हैं कॉल करते हैं, टाइम पास करते हैं, उन्हें इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। वो आपकी केयर नहीं करते, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उन्हें सिर्फ आपसे बात करनी होती है, अपना टाइम पास करना होता है। जैसे उनका वक्त निकल जाता है, वो आपको इग्नोर करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक चलता है फिर। इसीलिए जो जिस इंसान को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, उसे सिर्फ आपसे बात करनी है, अपना वक्त निकालना है और आपके लाइफ से चले जाना है, ऐसे रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं होता है। वो इंसान आपके लाइफ में आता है, कुछ दिनों तक रहता है, अपना टाइम पास करता है, उसकी ज़िंदगी तो पहले से बर्बाद होती है, वो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता है और निकल लेता है, ठीक है। तो आपको ना ऐसे लड़के लड़कियों से दूर रहना है जो सिर्फ कुछ दिन के लिए आपके साथ आते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो उसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आओ जिसको आपकी सच में केयर है, जो सच में आपकी परवाह करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मिला चलो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस वजह से आपका वक्त भी बर्बाद होगा और आप रिलेशनशिप को, लव को समझ ही नहीं सकोगे।
ये ब्लॉक अनब्लॉक ये सारी चीज़ें नहीं होती है। एक अच्छी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होती है, सपोर्ट होता है, ट्रस्ट होता है, लव होता है, वो एक दूसरे को समझते हैं और उसी रिलेशनशिप में ना हैप्पीनेस होती है। ऐसे बहुत सारे कपल हैं जो अपने लाइफ में हैप्पीली रह रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सही इंसान को ढूंढ ही नहीं पा रहे, वो जल्दबाजी में किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगर आगे वाला इंसान आपकी परवाह नहीं करता, उसको 1% भी अगर फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो ऐसे इंसान को ना अपने लाइफ से निकाल दो, ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ से निकाल दो, तब जाकर आपकी लाइफ और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ज़्यादा बेहतर होगी और आप खुशी से रह सकोगे। क्योंकि तब आप भले ही अकेले हो लेकिन आप किसी झूठे इंसान के साथ नहीं रहोगे। इसे लाइफ में जितने भी झूठे लोग हैं ना उनको अपने लाइफ से निकालो, जो भी ऐसे फालतू लोग हैं उनको अपने लाइफ से निकालो और अपने लाइफ को ना क्लीन करो, अपने लाइफ को हमेशा फ्रेश रखो, तब जाके आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर बनेगी। ठीक है, सो मैं हूँ श्रावण। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो ना तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।